कहाँ शायद हो रहा है, शायद हो रहा है, डोंट नो। है? हो रहा है, हो रहा है। कुछ बोल रहे हो क्या? नो सेट कैन स्टोर ओनली यूनिक वैल्यूज। व्हेन आई हैव सेट का यूज कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जाओ लोगों के पास जाओ और उनका उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ के आओ, ठीक है? तो कोई गया बंदा और उसके पास उसने हर किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो किसी बंदे से 2 बार पूछ लिया गया है, ठीक है? उसका डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि यूनिक वैल्यूज ही रखनी है, मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए डेटा में, ठीक है? आई वॉन्ट जस्ट, या मैंने और सिंपल सर्वे किया कि एक क्लास में 10 लोग हैं, पूछो कौन कौन जो है वो इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, ठीक है? तो एक बंदे से दोबारा पूछ लिया गया, उसका नाम 2 बार आ गया, ठीक है? तो मैं तो क्या देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बंदा इंटरेस्टेड है, कितनी बार उसने आंसर किया, उससे कोई मैटर नहीं करता, राइट? अगर वो डुप्लीकेट भी कैप्चर हो गया तो आई वॉन्ट कि यूनिक रिकॉर्ड रहे। तो सेट हम वहां यूज करते हैं जब मुझे ऐसा डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हम सेट में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है? लिस्ट विल स्टोर डुप्लीकेट्स, टपल विल स्टोर डुप्लीकेट्स, बट सेट में डुप्लीकेट अगर है तो वो यूनिक वैल्यूज तुम्हें दे देंगे, क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेट क्या है, सेट भी म्यूटेबल है, सेट में भी चेंजेस किए, ठीक है? म्यूटेबल का मतलब यू कैन ऐड, डिलीट, रिमूव वैल्यूज, ये सब अपडेट वैल्यूज, ये सब काम कर सकते हो जो हम लिस्ट में करते थे, ठीक है? टपल वॉज इनम्यूटेबल, ठीक है? तो सेट म्यूटेबल है। तीसरी चीज क्या है, सेट ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, ये जब वैल्यूज इसके अंदर जाती है ना, जैसे मैंने बोला पहले 3 रो में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछो कितने कितने मार्क्स आए हैं उनके, तो पहले ने बोला 10, दूसरे ने बोला 8, तीसरे ने बोला 13। तो सेट क्या करता है, उसको ऑर्डर में कर देता है, 8, 10, 13, ठीक है? तो ऑर्डर्ड एंटर जैसे मर्जी हुए हो, जो सेट बन के आएगा वो ऑर्डर्ड लिस्ट होगा तुम्हारा, ऑर्डर्ड सीक्वेंस होगा, ठीक है? तो किसी चीज को अगर ऑर्डर में लगाना है और उसके अंदर डुप्लीकेट्स भी हैं, तो तुम चाहते हो कि यूनिक वैल्यूज निकल के आ जाए और अनऑर्डर्ड भी हो जाए, तो उसको हम सेट में स्टोर कर सकते, ठीक है? तो सेट की ये यूनिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है? गॉट इट? अब सेट बनाते कैसे हैं, सेट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, सेट हम कब बनाएंगे, ठीक है? तो मैंने एक सेट बनाने के 2 तरीके हैं, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो ऐसे, और इसके अंदर एक लिस्ट की तरह ये भी सेट है, और इस केस में हमें कीवर्ड लिखना पड़ेगा सेट, ये सेट बना रहे हैं, ये रही सेट के अंदर में। तो ये भी तरीका है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सिंटेक्स एरर होने की गलती है, क्योंकि दिस लुक सिमिलर टू एक टप्पल के अंदर एक लिस्ट बना रखी है। तो सिंपल तरीका है, कर्ली ब्रैकेट से बनाओ, ठीक है? ये जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक सेट बनाया एक्स के नाम से, इसको ऐसे लिखा है, इस तरीके से लिखा है, बट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू क्या, कैसे, कर्ली ब्रैकेट में ए बी एंड सी, 3 वैल्यूज है मेरे पास, ए को लिख देते हैं सी एंड इसको लिख देते हैं बी, क्लियर? और एक और डुप्लीकेट भी डाल देते हैं, क्लियर? ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, इसको भूल जाते हैं, यही देखते हैं, पे फोकस करते हैं। एक सेट बनाया जिसमें मेरे पास मल्टीपल लोगों के नाम है, बार बार आ रहे हैं, अनऑर्डर्ड है, वो सीक्वेंस उसका कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ इसको बनाओ, इसको कोड को चलाया, इस कोड को जब हमने चलाया तो क्या होगा, एक्स नाम की एक चीज बन जाएगी, ये देखो एक्स बन गया, एक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है ये देख सकते हैं अब हम,
देखो एक्स के अंदर क्या पड़ा है, ए बी और सी। मैंने क्या क्या एंटर किया था, ए दो बार, ए के बाद सी था फिर बी था, बट उसने मुझे एक्स कैसा दिखाया, ये देख रहे हो कंसोल में, दिख रहा है ना। यस बाकी लोग यस सर ठीक है, ए बी यस सर सी यूनिक वैल्यू भी हो गए और ऑर्डर भी कर दिया उसने उसको, ठीक है। तो ये सेट की यूनिक यूनिक फायदे हैं कि इट स्टोर वैल्यूज ओनली द यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर हूं, मेरे पास मल्टीपल शहर, इसका यूज केस क्या होगा, मल्टीपल शहरों से लोग आते हैं, ठीक है। मैं उसको एक सेट में स्टोर करता रहता हूँ, एक बंदा बार बार आता है, उसका नाम मल्टीपल टाइम्स गया, वो कौन सी सिटी से है, लोग कौन सी सिटी से आ रहे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम आ रहे हैं। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ व्हाट इज द, ये सारी चीजें हमने एक लिस्ट में डाली हुई है, ठीक है। तो मैं अब क्या देखना चाहता हूँ, मेरे पास कितने शहरों से लोग आते हैं, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ यूनिक सिटीज, एंड कौन कौन कस्टमर मेरे पास आया, उनके कस्टमर्स के नाम क्या है, उनको हम कॉल करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। या उनका फोन नंबर क्या है, उस फोन नंबर पे कॉल करेंगे। फोन नंबर भी बार बार रिपीट हुए हैं क्योंकि कस्टमर बार बार आया, उसका फोन नंबर दोबारा बार बार एंटर हुआ है, ठीक है। सेम सिटी से आए हैं लोग बहुत सारे, तो सिटीज भी बार बार। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को क्या बना लेंगे, सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। एक लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करते ही क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, क्या बच जाएगा, यूनिक वैल्यूज यूनिक वैल्यूज, राइट। यूनिक सेट ऑफ सिटीज, यूनिक सेट ऑफ फोन नंबर्स, अब तुम्हें पता लग गया यही है। तो मेरे पास यूनिक सेट ऑफ सिटीज में दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये तीन सिटीज निकल के आए। तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो 1,000 कस्टमर्स आए हैं वो लिस्ट में जो सिटीज के नाम पड़े हैं उसमें तीन ही शहरों से लोग आ रहे हैं और किसी शहर से लोग नहीं आ रहे हैं। सेट ने मुझे रिटर्न करा दिया यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज। तो ऐसे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई चीज पड़ी है उसको सेट में बना के, सेट में कन्वर्ट करके, वी कैन फेच द यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम दैट, क्लियर। अब ये चीज सेट है या नहीं ये देखने के लिए मेरे पास फंक्शन है टाइप, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बता देता है, टाइप ऑफ एक्स करेंगे। तो उसने मुझे बता दिया कि टाइप ऑफ एक्स क्या है, एक सेकेंड, सो आई हैव वन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हम किसी फाइल को रीड कर रहे हैं एंड फॉर एग्जाम्पल फाइल की बात नहीं हो रही, ये हम वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स में, अभी फाइल जो है वो 2D डेटा स्ट्रक्चर है, रोज और कॉलम। हम एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज पड़ी हैं, मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ नाम पड़े हैं, कुछ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो लिस्ट की फॉर्म में है, एक तरीके वन डायमेंशनल है। एक कॉलम अज्यूम करो या एक रो अज्यूम करो, तो एक रो एक कॉलम में कोई डेटा पड़ा है उस पे हम क्या कर सकते हैं, ये वो वैसी चीज, वो चीजें कर रहे हैं। ओके एंड फॉर एग्जांपल दिस एक्स का जो वैल्यूज है विल बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉलम, कॉलम का नाम है नेम, तो एक्स इक्वल नेम विल गिव द इट विल गिव मी द यूनिक वैल्यूज राइट। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, एक एक कॉलम में पड़े हैं और उस पे हम क्या करेंगे। कॉलम का नाम है फॉर एग्जांपल ए सी किसी कॉलम में स्टोर है फॉर एग्जांपल हाँ, कॉलम है, तो अगर मुझे किसी कॉलम के ऊपर ये चीज करनी है तो मैं इंसटेड ऑफ वैल्यूज आई विल गिव द कॉलम नेम राइट, मेरे को बस यही पूछना है। वहां पे हम कॉलम नेम देंगे वैल्यूज की जगह, एक्स वहां पे कॉलम का नाम हो जाएगा तुम्हारे लिए, ओके वहां एक्स में तुम वैल्यूज डायरेक्टली नहीं होंगी, तुम्हारे पास वो जो एक्स है वो किसी टेबल का एक कॉलम होगा, वो डेटा फ्रेम में जब हम पहुंचेंगे तब देखेंगे। अच्छा अब हाँ मैं थोड़ा हाँ डेटा फ्रेम से कोई सॉरी लेना नहीं देना नहीं है, वी आर इन सेट्स, ओके सेट की चीजें एक कॉलम पे नहीं चलेंगी, राइट। कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालने के अलग प्रोसीजर है, ठीक है, उस पे अलग ओके फंक्शन है, इसके अलग फंक्शन है। तो टाइप ऑफ एक्स मारा तो उसने हमें क्या दे दिया, ये देखो नीचे क्या दे दिया उसने कंसोल में, व्हाट इज द केस ऑफ द नेम्स, नेम्स किस बारे में, किसका बोल रहे तू, नॉट नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन।
है, ये टाइप मारा तो उसने बता दिया ये एक सेट है, ठीक है, सेट में कितने वैल्यूज हैं, कितनी लेंथ आएगी इसकी, ये फोर, नेम दो बार दिए गए हैं तो एक ही बार रखेगा वो, सेट में जितनी बार मर्जी रिपीट हो रही हो चीज, तो विल फाइंड यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम दैट, यही काम है सेट। सर एक चीज पूछनी है, हाँ, अगर इसमें केस सेंसिटिव भी डिफरेंशिएट कर लेता है कि कैपिटल है और स्मॉल है, उसको वो डिफरेंट ट्रीट करेगा? कैपिटल और स्मॉल दो अलग चीजें हैं पाइथन में, ठीक है, कभी भी सेम चीज नहीं है, तो हमारा डेटा पहले क्लीन्ड होना चाहिए तो ही कोई ऑपरेशन चल सकता है। तो जो सेट में अगर हम कैपिटल है और स्मॉल है तो वो डिफरेंट होंगी? डिफरेंट ही होंगी, मैं कह रहा हूँ साहिल का डेटा हटा दो, एक जगह साहिल स्मॉल लिखा है एक जगह कैपिटल लिखा है, तो उसके लिए वो दो अलग वर्ड है, डुप्लीकेट थोड़ी हुए, राइट? सर अगर एक नेम के दो अलग लोग हैं, मशीन को थोड़ी पता है एक नाम के वो दो अलग में हो गए हैं, एक ही नाम लिखा है साहिल तो उसके लिए वो सेम ही नाम है, राइट? वो तो पूरा नाम लिखा होगा तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये नाम अलग है ये नाम अलग है, तो अगर फुल नेम लिखा है तो ऑब्वियसली एक साहिल कुमार लिखा है एक साहिल महाजन लिखा है तो वो दो अलग नाम है, उसको वो डुप्लीकेट नहीं है, बट अगर साहिल ही वर्ड लिखा है तो वो एक ही बंदा है उसके लिए, उसको क्या पता नहीं साहिल नाम के दो है या एक है, उसके लिए तो हमने वो तो कैरेक्टर से समझेगा कि वो एक ही चीज है या दो चीजें, राइट? ठीक है, तो इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास इस डेटा का ऑब्जेक्ट ये है, तो सेट ऐसे बनाते हैं, सेट की ये प्रॉपर्टीज है, ऊपर हमने जो भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, क्लियर? आगे मेरे पास आता है कि सेट में अगर मुझे कोई वैल्यू ढूंढनी है कि क्या मेरा नाम सेट में आता है या नहीं, ठीक है, ये सेट है, ये वो लोग हैं, ये चार मेरे पास चार क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, ठीक है, वी हैड फोर क्विज कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, चार क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, ठीक है, तो ये उनके विनर्स के नाम है, ठीक है, पहला ए ने जीता, दूसरा सी ने जीता, तीसरा बी ने जीता, चौथा इवेंट फिर से ए ने जीता, तो मैं क्या देखना चाहता हूं कि क्या मैंने कोई इवेंट जीता है, क्या मेरा नाम सेट में है, ठीक है, कोई भी इवेंट मैंने जीता है या नहीं, क्या मेरा नाम सेट में है, डस ए एग्जिस्ट इन सेट, मेरा नाम ए है, ठीक है, क्या मैंने, तो सिंपली क्या लिखोगे, वैल्यू इन सेट, क्या ए इन एक्स, क्या ए सेट में है, बस सिंपल, कोई चीज यहां पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं ये, राइट, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ए उसमें है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इन सेट, ये कोड चलाएंगे और वो मुझे क्या दे देगा, क्या दे देगा, ये देखो नीचे देखो क्या दिया उसने, बूलियन, बूलियन ट्रू, ठीक है, तो ए उसको मिला उसमें तो उसने क्या करा दिया ट्रू कि हाँ ये वैल्यू सेट में है, मेरा काम हो गया, ठीक है, ये है सर्च करने का तरीका, राइट, दिस वॉज सर्च ऑपरेशन, तो सर्च कैसे करनी है, कोई वैल्यू सर्च कैसे करनी है, इन सेट, ये सर्च करने का तरीका, कोई वैल्यू इन सेट करना। अब मैं दूसरा केस एग्जांपल देखना चाहता हूँ कि मुझे, मैं कह रहा हूँ चार क्विज कंपटीशन नहीं पांच हुए थे, एक और क्विज हुआ था वो डी ने जीता था तो उसका नाम मिस हो गया, तो हाउ टू एड एलिमेंट्स इन, एड एलिमेंट्स इन सेट, लिस्ट में कैसे ऐड करते थे बताओ फटाफट, लिस्ट में कैसे ऐड करते थे, अपेंड कर देते थे, अपेंड और एक्सटेंड भी कर सकते थे ज्यादा, और एक और तरीका था इंसर्ट, राइट, अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट कुछ भी कर सकते हो, सवाल पूछो, क्या कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या, साहिल आया हुआ क्वेश्चन,
जैसे ये आपने लिखा है सर्च इन सेट में ए इन एक्स, सो इन कोई ऑपरेटर है जो इन ऑपरेटर है, इनका काम है सर्च करना, ठीक है, ए को सर्च करो सेट में, इन जो है इन हर जगह होता है, अगर आपने एसक्यूएल वगैरह करी हो तो वहां पे इन ऑपरेटर होता है, राइट, हम यूज करते हैं कि ये सारी वैल्यूज इन इनमें से कुछ हो, तो इनका मतलब होता है कि एक पूल में से चेक करना कोई वैल्यू, ठीक है, ए इन वैल्यूज ऑफ सेट, राइट, ऐसा डस ए एग्जिस्ट इन वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के जो वैल्यूज हैं उसमें ए एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इन एक कीवर्ड है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है टू फाइंड आउट एक पूल में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, इन एक कीवर्ड है। अब लिस्ट में मेरे पास चीजें ऐड करने के लिए अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट फंक्शन थे, लिस्ट और सेट में ऐड करने के लिए क्या फंक्शन है, ऐड, एक्स डॉट ऐड डी, एक्स में ऐड कर दो डी, दैट्स इट। अरे यार ये कंट्रोल एंटर से ठीक है, ये देखो नीचे कंसोल में देखो x चल गया, अब हमने क्या किया, x को रन किया, x को रन किया, x क्या बन गया, a b c d, देखो आ गया d भी साथ में, d पहले नहीं था, तो x में a b c था पहले, हमने d भी ऐड कर दिया, तो सेट में वैल्यू ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन है, ऐड, क्लियर, कोई डाउट बताओ, बताओ जल्दी। I miss previous class. तो append और extend as Anamika mentioned, ये वाले function भी होते हैं इसमें set में add करने के लिए, सिर्फ only add function use होगा? नहीं, इसमें सिर्फ add ही है, list में append और extend होते हैं, list में add करने के लिए append extend, set में add करने के लिए add नाम का function। तो तुम्हें फंक्शन याद रखने हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ यूज होता है और कैसे चलता है, दैट्स इट। अब देखो, अब मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है, मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, एक सिंगल एलिमेंट ऐड करने का क्या तरीका था, ऐड फंक्शन चलाना, मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं अगर मुझे, तो लिस्ट में क्या था मल्टीपल के लिए, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तो उसमें एक्सटेंड था, यहाँ पे क्या है अपडेट, ये देखो मेरे पास एक लिस्ट, एक सेट पड़ा है, उसमें तीन वैल्यू पड़ी हैं, 3, 4, 5, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये 3, 4, 5 को और सिंपल इंट्यूटिव कर लो, ये पहला क्विज इस आदमी ने जीता, दूसरा क्विज इसने जीता, तीसरा क्विज इसने जीता, ठीक है, चौथा क्विज, चार बंदों के नाम है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ दो क्विज और हुए थे, उसके भी दो विनर्स हैं, ठीक है, और उनके ये रहे विनर्स के नाम, क्लियर, तो ये विनर्स के नाम है, चार ऑलरेडी दे रखे हैं, दो और हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एक सेट बनाओ जिसमें सेट ऑफ यूनिक विनर्स आ जाए, ठीक है, सेट ऑफ यूनिक विनर्स आ जाए, मैंने ये कोड चलाया, देखो फाइनल सेट ऑफ यूनिक विनर्स आ गए तुम्हारे पास, अभिनव, आशीष, रितु, साहिल, विनय, ए पहले आता है, ए बी, ए एस उसके बाद आता है, आर, आर के बाद एस आता है, एस के बाद बी आता है, ऑर्डर भी कर दिया उसने, ठीक है, और यूनिक सेट ऑफ विनर्स भी, तो छह क्विज हुए थे, विनर पांच ही थे, इन्हीं में से कोई बंदा बार बार रिपीट हुआ होगा, राइट, तो साहिल दो बार था तो वो एक बार उठाया, तो डुप्लीकेट भी हटा दिए और उसने ऑर्डर भी करके हमें दे दिया, क्लियर, ऐसे सेट चल रहा है, तो मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो अपडेट, सिंगल वैल्यू ऐड करनी है ऐड, लिस्ट में सिंगल वैल्यू ऐड करनी है तो अपेंड, मल्टीपल करनी है तो एक्सटेंड, क्लियर, कोई डाउट किसी को,
दिस अपडेट के बाद आपने इसको राउंड एंड डस्कोर ब्रैकेट में लिखा अदरवाइज लेकिन द इनिशियल मल्टीपल वैल्यूज जब भी जाएंगी वो एक लिस्ट की फॉर्म में जाएंगी सेम हम एक्सटेंड में करते हैं एक्सटेंड का सिंटैक्स भी कैसा होता है ऐसे ही होता है कल हमने करा था सबने राइट एक्सटेंड का सिंटैक्स कैसे होता था ऐसे ही होता था ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज राइट तो सिंगल वैल्यू पास करनी है तो वो फंक्शन के अंदर जा सकती है मल्टीपल वैल्यू पास करनी है तो वो एक लिस्ट के अंदर जाएंगी ठीक है ये मल्टीपल वैल्यूज है ये सिंगल वैल्यू फंक्शन के अंदर जा सकती है एड डी ठीक है तो ये चीज नहीं हो सकती डी कॉमा ए ये नहीं होता ये हमेशा ऐसे होता एड में नहीं हो सकता एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस एड में एक ही होगा ठीक है ऐसे होगा मल्टीपल वैल्यू जब भी है वो एक लिस्ट की फॉर्म में अंदर जाएंगे Got it? Yes. ठीक है एड वन एलिमेंट एट अ टाइम अपेंड अपडेट मल्टीपल एलिमेंट एट अ टाइम ठीक है जी ये हमारे हो गए हमें पता लग गया सेट में वैल्यूज कैसे ऐड होनी है ठीक है अब मैं कह रहा हूँ अगर मुझे कॉपी बनानी है किसी सेट की तो सेम लाइक लिस्ट सेम फंक्शन यूज होता है यहाँ पे कॉपी एक्स की कॉपी बना दो वाई सेम लिस्ट वाले कॉपी बनाने के सेम तरीके हैं ठीक है लिस्ट एक्स की कॉपी बना दो वाई अब वाई में क्या आ गया होगा वही सेम चीजें ए बी सी डी जो एक्स में था एक्स में भी देखोगे तो वही सेम चीजें ए बी सी डी ही है राइट एक्स की कॉपी बना दो वाई कोई डाउट में भी वो फंडा यूज होता है जो हमने पहली क्लास में करा था x इक्वल ये y इक्वल टू x x का सारा डेटा y को दे दो इस तरीके से कॉपी बनाओगे तो क्या होगा चेंजेस मेड इन y विल बी रिफ्लेक्टेड इन x एंड y दोनों में चेंज होंगे सर राइट किसी में भी चेंज करोगे x और y में से किसी में भी चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा तो हर टाइम पे x और y एक जैसे दिखेंगे बट यहाँ पे इस तरीके से कॉपी फंक्शन यूज करके बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है तब x अलग है y अलग है y में चेंज करोगे x को कोई लेना नहीं उससे x में चेंज करोगे y को कोई लेना नहीं है तो ये चीज ध्यान रखना है दोनों बनाते कॉपी है बट आगे जाके दोनों के फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है तो ये दोनों तरीके से कॉपी बन जाती है रिमूव करने के लिए एक ही फंक्शन है इसमें रिमूव लिस्ट की तरह ही लिस्ट में भी रिमूव फंक्शन था सेट में भी ऐसे ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग याद रखने हैं तो याद रहेंगे कि लिस्ट में क्या थे इसमें क्या थे इसमें क्या थे तो लिस्ट में भी रिमूव फंक्शन है सेट में भी रिमूव फंक्शन है रिमूव फंक्शन कैसे रिमूव करता है बाय इंडेक्स या नेम 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 ठीक है पॉप करता है बाय इंडेक्स ठीक है तो ये ऊपर जो सेट्स बनाया इस सेट में क्या वैल्यूज पड़ी है अभिनव आशीष रितु साहिल विनय इसमें से मैं बोल रहा हूँ प्रूव कर दो क्या साहिल का डेटा ठीक है तो रिमूव कर दो साहिल का डेटा साहिल दो बार है ठीक है एक्स नहीं है ये सेट्स है सेट्स डॉट रिमूव क्या होना चाहिए वही देख रहे हैं अरे भाई क्या हो गया ठीक है सेट्स डॉट रिमूव अब सेट्स में देखा क्या पड़ा है तो देखो साहिल कितनी बार था टू टाइम्स एक ही बार था सेट में एक ही बार होता है राइट सेट में एक ही बार था वो तो वो वैल्यू हट गई है ठीक है
Got it? ओरिजिनली तुमने दो बार डाला, सेट बना, सेट ने एक ही बार रखा और तुमने बोला वो वैल्यू हटा दो, तो दो बार सेट में कोई वैल्यू होगी ही नहीं, राइट? क्लियर है तुम? ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि ये अगर दो बार होगा सेट में, दो बार वो चीज होगी ही नहीं, सेट स्टोर्स डुप्लीकेट, सेट डजंट स्टोर एनी डुप्लीकेट वैल्यू, तो एक ही बार वो चीज होगी। तो स्टोर चाहे हमने दो बार कराया, स्टोर करा सकते हैं हम दो बार, पहले था उसको अपडेट करा फिर से वो वैल्यू आई, बट जब वो सेट बनेगा कंपाइल होके तो एक ही वैल्यू रखेगा, दूसरी वैल्यू नहीं रखेगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? तो रिमूव के लिए सिंपल एक ही फंक्शन है, रिमूव। रिमूव रिमूव्स वन वैल्यू एट अ टाइम बाय नेम। ठीक है, कॉपी, कॉपी फंक्शन जो है वो कॉपी बनाता है, रिमूव रिमूव करता है, एड एड करने के काम, अपडेट मल्टीपल वैल्यूज एड करने के काम। तो फॉर एग्जांपल लाइक मुझे एक ही टाइम पे दो लोगों को रिमूव करना, लाइक साहिल एंड आशीष, तो सिमिलरली आई कैन पुट अ कॉमा। रिमूव दो बार चलाना पड़ेगा, रिमूव फंक्शन एक ही वैल्यू एट अ टाइम रिमूव करता है, तो यू हैव टू रन रिमूव ट्वाइस। ओके, हो गया यार, चल मिला है मुझे ज्यादा। ठीक है, आगे है अब मुझे, अगर मेरे पास दो सेट्स गिवन है, ठीक है, मेरे पास दो सेट्स गिवन है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स मुझे उठाने हैं जो सेट ए में भी हैं, सेट बी में भी हैं, ठीक है, मेरे पास एक्स और वाई दो सेट है, आई वांट टू फेच कॉमन एलिमेंट्स अमंग देम। कॉमन एलिमेंट्स का अमंग देम का मतलब क्या है, एक्स एक सेट बनाया इसमें वैल्यूज क्या है 1, 2, 4, वाई एक सेट बनाया जिसमें क्या है 2, 8। ठीक है, अब मैंने करा ये दो चलाए, ये देखो x y एंड x, y और x में से कॉमन वैल्यूज दे दो, कॉमन कौन था इन दोनों सेट्स में, 2 हुई था कॉमन के कोई और भी था, 2। ठीक है, 2 वाज द ओनली कॉमन, तो दो सेट में से कॉमन चीजें मुझे दे दो, वो मुझे पता लगी। तो इसको अज्यूम कर लो x सेट है विनर्स ऑफ कंपटीशन 1, ठीक है, और y है विनर्स ऑफ कंपटीशन 2। तो x एंड y अगर मैं करूंगा तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग दे दो जिन्होंने कंपटीशन 1 भी जीता है और कंपटीशन 2 भी जीता है, राइट? तो कॉमन वैल्यूज उठाने के लिए यू कैन क्या कर सकते हैं, हम यू कैन यूज एंड ऑपरेटर। ठीक है, वैसे ही और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, और यूज करोगे तो क्या होगा, कंकैटिनेट जैसा फंक्शन, ज्वाइन कर देगा दोनों को, ज्वाइन कर देगा, हाँ सर, ज्वाइन करके यूनिक एलिमेंट दे देगा दोनों को मिलाकर। ये देखो, अब मैंने इस बार क्या किया, एंड ने मुझे सिंगल वैल्यू दी थी और यहाँ पे एंड की जगह इस पर मैंने क्या लगा दिया, और लगा दी। और का साइन क्या होता है, ये पाइप साइन, ठीक है, ये पाइप वाला साइन, दिस इज और। और ने क्या किया, मेरे पास ये देखो,
वन टू फोर, टू डबल आ रहा था, टू हटाया उसने एट, तो ऑल वैल्यूज दैट आर, और का मतलब क्या है, ऑल वैल्यूज और यही होता है, ठीक है, एंड कॉमन वैल्यूज और मतलब पहले सेट की वैल्यूज भी दे दो, दूसरे सेट की वैल्यू दो, वन टू फोर एट, यही दोनों सेट की यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज हैं, यही बार बार आ रही हैं, क्लियर। और ने मुझे सारी वैल्यूज दे दी दोनों सेट की कंबाइन करके, और एंड ने मुझे दोनों सेट में से कॉमन वैल्यू दी, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनियन, यूनियन, ठीक है, दिस इज यूनियन एंड दिस इज इंटरसेक्शन। लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, हैंग क्यों हो जा रही है, कुछ भी कमांड चलाओ हैंग कर जाता है, एक मिनट में अभी कुछ खोला भी नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज यूनियन। इसमें और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये देखो y x x माइनस y करता हूं, x x माइनस y, क्या मतलब होगा इसका, एलिमेंट इन x नॉट इन y, y के जो एलिमेंट x के हैं वो रिमूव करके बाकी दे, y के एलिमेंट x के एलिमेंट्स जो y में नहीं है, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ऋतु, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें हम सर्च कर सकते हैं कोई चीज, इसमें इंडेक्सिंग का रोल नहीं है, इसमें हम सर्च करते हैं ये वैल्यू इसमें है या नहीं, दैट्स इट। इंडेक्सिंग भी सर्चिंग ही होता है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर से सर्च करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सर्च करने का क्राइटेरिया है कोई वैल्यू उसमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, दैट्स इट, ठीक है। एक्स माइनस वाई क्या होगा, अब बताओ, एक्स के एक्स में X में से y वाली चीजें हटा के जो यूनिक बचे वो मुझे दे दो, तो दिस इज कॉल्ड सेट डिफरेंस, ठीक है, सेट का डिफरेंस करना, ठीक है, तो सेट डिफरेंस के लिए x में से y वाली चीजें हटा दो, तो x में y वाला क्या चीज है, टू, तो क्या आंसर आना चाहिए, वन एंड फोर, ठीक है, तो इसको चलाएंगे तो 1 एंड 4 शुड बी आंसर। ये हैंग होना बंद हो तो कुछ चले, मोमेंटम ही नहीं बन रहा, तो इसका कर्नल रीस्टार्ट कर लीजिए, ये मैंने एक कोड बना रखा है इसके बारे में होगा शायद, अभी भी वही दिक्कत है, देखो एक्स और वाई चलाया हैंग हो गई। क्या हो रहा है इसको, बस हो गया भाई, क्या हो गया,
ठीक है, x माइनस वाई करके आंसर इज 1 और 4। ठीक है, एक और चीज है, ये देखो, अब ये क्या चीज है, ये देखो, इस साइन को क्या बोलते हैं हम, ये जो कैप, इसको कैप बोलते हैं, ये कैप क्या करता है, एक्सपोनेंशियल, क्या करता है, एक्सक्लूसिव और है, ये क्या कहता है कि कॉमन वाली जो चीजें हैं उसको छोड़ के बाकी जो सारा बच रहा है वो दे दो, राइट राइट, कॉमन वाली चीजें छोड़ के जो बाकी बच रहा है वो सारा दे दो, कैसे, ये देखो इसकी पिक्चर क्या बनेगी, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, राइट, इसमें क्या है 1 और 4 पड़े हैं और 2 भी था, 2 दूसरे में भी फॉलो कर रहा है और 2 के साथ दूसरे में 3 और 6 पड़े हैं, तो ये क्या है, मुझे ये वाला पोर्शन दे दो सारा और ये वाला पोर्शन दे दो सारा, राइट, ये वाला दे दो, ये वाला छोड़ दो, ठीक है, तो 1, 4, 3, 6 इज द आंसर, गॉट इट, राइट, इंटरसेक्शन क्या था, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे क्या देता है, कॉमन छोड़ के बाकी चीजें, एक्स माइनस वाई मुझे क्या देगा, एक्स माइनस वाई की पिक्चर कैसे बनेगी बताओ, ये बनेगी x माइनस वाई की पिक्चर, x का सारा दे दो मुझे y वाले कॉमन छोड़, ये x, ये तुम्हारी x माइनस वाई की पिक्चर है, राइट, सेट डिफरेंस, ठीक है, तो ऐसे पिक्चर्स पता होने चाहिए कौन सा चीज क्या बनेगी, कोई डाउट, ठीक है, तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन कॉमन देता था हमें, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या देता था, ये चीज, ये चीज, ठीक है, वो जो हमने उसके ऊपर वो देखा था और वाला, वो क्या देता है, सारा दे देता है ये सब, ये तुम्हारा पाइप ऑपरेटर है, ये तुम्हारा एंड ऑपरेटर है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा कौन सा है, कैप ऑपरेटर, और ये कौन सा है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, क्लियर, कोई डाउट किसी को, नो सर, ठीक है, चले आगे, इसमें भी तुम वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स चला सकते हो, मैक्स मिनिमम, ठीक है, ये सब चलते हैं, ठीक है, मैक्स मिन सम ये सब कर सकते हो, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल फंक्शन जस्ट लाइक लिस्ट, ये सारे इसमें भी सपोर्ट करता है, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेट्स, सो सेट मेनली पर्पस सेट का वही है कि हम वहां पे सेट बनाएंगे जहां पे मेरे पास यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज मुझे चाहिए, ऑर्डर हो जाए, कोई चीज को ऑर्डर में लगाना है तो उसको सेट बना लो, अब मुझे लिस्ट को अगर सेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मेरे पास एक पास कर देंगे, मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है मुझे सेट बनाना, क्या करेंगे, टाइपकास्ट करके उसके बाहर क्या लिख देंगे, सेट लिख देंगे, सेट एक्स, राइटर हैंग कर रहा, बाकी चीजें तो चल रही हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, देखो एक्स बनाया, दिख रहा है, एक्स बनाया एक लिस्ट 1, 5, 9, अब मैं कह रहा हूं इसमें डुप्लीकेट भी हैं,
है, मैं कह रहा हूँ इसमें से यूनिक सेट ऑफ स्कोर्स मुझे दे दो और इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, तो एक्स से बना दो वाई, तो क्या करूंगा वाई सेट ऑफ क्या एक्स, बस वाई तुम्हारा क्या बन जाएगा, वाई इज नाउ अ सेट एंड इट हैज वैल्यूज क्या, क्लियर? कोई डाउट किसी को? जल्दी जल्दी, नो सर, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा तीसरा डेटा स्ट्रक्चर था, हमने लिस्ट देख लिया, हमने टपल देख लिया, हमने सेट्स देख लिया, चौथा डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में क्या है, डिक्शनरी भी एक यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है डिक्शनरी के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर्स है, आई हैव की वैल्यू पेयर्स, यार अभी भी चलने का देखते हैं एक बार चलता कि नहीं। अब मेरे पास चौथा डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, इसमें क्या है कि मेरे पास की वैल्यूज पेयर होते हैं। डिक्शनरी हमने सबने देखी है, रियल वर्ल्ड डिक्शनरी, राइट? ये चौथा डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पास डिक्शनरी, ठीक है। दिस इज डेटा ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स का डेटा है इसमें। हमने रियल वर्ल्ड डिक्शनरी देखी है, क्या होता है डिक्शनरी के अंदर रियल वर्ल्ड में, वर्ड मीनिंग, वर्ड एंड मीनिंग्स, वर्ड एंड मीनिंग्स, वर्ड एंड मीनिंग्स, राइट, यही होते हैं। तो वर्ड्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कीज, और जो मीनिंग्स हैं उनके वो वैल्यूज, राइट? तो कीज और वैल्यूज तुम्हारे कीज हो गए, जैसे वर्ड्स हैं हमारे पास डिक्शनरी में, और जो वैल्यूज हैं वो तुम्हारे मीनिंग्स हो गए। कभी की रिपीट होती है डिक्शनरी में, कोई वर्ड रिपीट होता है? नो। रियल वर्ल्ड डिक्शनरी जब भी हम बनाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स जब भी हम डिक्शनरी बनाएंगे, तो की कभी रिपीट नहीं होगी। की एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, राइट? की विल ऑलवेज बी अ यूनिक थिंग। और वैल्यू क्या है, वैल्यू रिपीट हो सकती है, राइट? दो अलग अलग वर्ड्स के सेम मीनिंग हो सकते हैं, राइट? वैल्यूज कैन रिपीट। अब मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ की वैल्यू पेयर का रियल वर्ल्ड में, हम जो देखते हैं क्या हो सकता है की वैल्यू पेयर जिसमें कीज यूनिक हो और वैल्यूज रिपीट होती हैं। आधार नंबर, की क्या है, वैल्यू क्या है? आधार नंबर आपका की है और आपका नेम वैल्यू है, राइट? दिस कैन बी वन एग्जांपल। अदर, अनदर वन, अब आधार पैन कार्ड ये सब मत बोलते रहना, ये हो गया सेट, ठीक है।
ठीक है। और साहिल किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो अलग अलग, जैसे सपोज वेजिटेबल का सेक्शन है तो अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं तो उनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो उसमें की क्या है और वैल्यू क्या है? वेजिटेबल नेम की हो गया और वैल्यू उसका प्राइस, वैल्यू उनका प्राइस हो गया। टोमेटो एंड पोटैटो कैन हैव द सेम प्राइस राइट, बट वेजिटेबल रिपीट नहीं होगी, वेजिटेबल तो एक ही बार रखी हुई तो एक ही बार कॉस्ट होगा राइट। और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की वैल्यू पेयर का जो हर बंदे के पास है, हर बंदे के आसपास है, सोचो ईमेल आईडी पासवर्ड्स राइट। राइट, दिस इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ की वैल्यू पेयर। इसमें दो ही चीजें होंगी, ईमेल और ईमेल का सिर्फ पासवर्ड ही होना है और कोई चीज नहीं होगी राइट। ईमेल हर बंदे का यूनिक, पासवर्ड मेरा और आपका सेम हो सकता है, वी डोंट नो राइट। तो ईमेल आईडी पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड ये कॉम्बो इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ की वैल्यू पेयर ठीक है। गॉट इट? कोई डाउट? ठीक है। तो अब डिक्शनरीज में हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। अब डिक्शनरी कैसे बनता है, पहले तो ये चीज है, एक डिक्शनरी कैसे बनता है। लिस्ट बना था ऐसे, टपल बना था ऐसे, सेट बना था ऐसे, बीच में कॉमास थे ठीक है, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट। अब डिक्शनरी कैसे बनता है, डिक्शनरी का भी, डिक्शनरी को हम डिक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह डिक्ट देखोगे वो डिक्शनरी है। डिक्शनरी कैसे बनता है, ये भी कर्ली ब्रैकेट से ही बनता है, बट इसमें क्या होते हैं की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉलन राइट। ये आ जाता है की वन कॉलन वैल्यू वन कॉमा की टू कॉलन वैल्यू टू राइट, ऐसे ही होगा ये है। तो दोनों चीजें सेट और ये दोनों कर्ली से बनती है, बट इसमें सेट में कोई ऐसे कॉलन वाली चीज नहीं होती, लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है बस। इसमें क्या है की वैल्यू पेयर्स। अब डिक्शनरी बना के देखते हैं डिक्शनरी कैसे बनाएंगे। ये देखो मैंने एक डिक्शनरी बनाया किस नाम से, IPL ठीक है। उसमें क्या होंगे की वैल्यू पेयर्स होंगे राइट। क्या होगा की, क्या होगा भाई, क्या होगा की बताओ, टीम्स विल बी द की एंड वैल्यू विल बी द प्लेयर नेम। वैल्यू प्लेयर होगा, प्लेयर दो बार आ सकता है कोई, बहुत आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आपकी बात। जैसे मुंबई वर्सेस चेन्नई और उसकी डेट, नहीं नहीं थोड़ा सिंपल रखते हैं, प्लेयर प्लेयर और टीम इसका इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। म्यूट पे हो जाओ यार, म्यूट पे हो जाओ, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है ठीक है। तो की क्या हो सकती है प्लेयर और टीम में से, कौन सी चीज की होगी, प्लेयर का नाम राइट। प्लेयर का नाम रिपीट थोड़ी होगा कभी ठीक है। प्लेयर का नाम धोनी कॉलन CSK राइट कॉमा, फिर से जडेजा कॉलन CSK ठीक है। ये देखो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं राइट, कीज रिपीट नहीं होंगी, प्लेयर एक ही बार होगा, धोनी दो बार थोड़ी होगा ठीक है, धोनी तो एक ही है। तो CSK के लिए बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं तो वैल्यूज रिपीट होंगी, उनको सबको वैल्यू CSK मिली है ठीक है। रोहित MI ठीक है, विराट RCB राइट, डिविलियर्स देख रहे हो, वैल्यूज कैन रिपीट बट कीज आर नॉट रिपीटिंग राइट। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ डिक्शनरी, इसको बनाया इसको चलाया ठीक है। ओहो की वैल्यू पेयर्स ऐसे होंगे
डिक्शनरीज हमारा लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये करने के बाद वी विल सॉल्व लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, वो कर लेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स पे वी विल बी गुड। बहुत सारे इंटरव्यूज डेटा स्ट्रक्चर पे ही खत्म हो जाते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में एक एक चीज पता होनी चाहिए, इसलिए आई एम फोकसिंग टू मच ऑन दीज थिंग। नहीं तो ये सारी चीजें खुद भी पढ़ सकते हो, बट मुझे पता है खुद से सारी चीजें क्लियर नहीं होती, ठीक है। नहीं तो इतना टाइम। आई हैव वन साहिल, कैन यू हेल्प मी? हां जी, बट अदर वे अराउंड भी तो हो सकता है ना, मतलब सीएसके इफ आई पुट इट एज अ की की अनवैल्यू कैन बी द प्लेयर, बिकॉज़ अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है वो प्लेयर उसी टीम के टुवर्ड्स, फिर तो जितनी आईपीएल में टीम्स हैं वही तुम्हारी की हो सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल आईपीएल 10 टीम्स खेलती हैं, तो तुम्हारी डिक्शनरी 10 से बड़ी नहीं हो सकती, राइट। यही होगा, 10 ही प्लेयर आ सकते हैं, सीएसके का एक ही प्लेयर ले सकते हो, सीएसके का दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता क्योंकि की रिपीट कर रहे हो तुम, राइट। की उस चीज को बनाना है जो यूनिक रहे, वैल्यू उस चीज को बनाना जो रिपीट हो सके, राइट। तो आईडी जो होती है, नाम क्या है, एक आईडी की तरह है, आईडी की होती है, राइट। डिपार्टमेंट की नहीं हो सकती, एक बंदा, बहुत सारे बंदे एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, तो डिपार्टमेंट विल बी योर वैल्यू। की क्या होगा, यूनिकनेस कौन क्रिएट कर रहा है, नाम क्रिएट कर रहा है, आईडी क्रिएट कर रही है, राइट, पैन कार्ड क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी चीज की बनती है, ना कि उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो डिपार्टमेंट में एक ही बंदे का नाम लिखा जाएगा बस, right, and then the purpose of dictionary will not suffice, ठीक है। तो तुमने एक ही बंदे का नाम लिख दिया, सीएसके धोनी खत्म, सीएसके की और किसी प्लेयर की एंट्री नहीं हो सकती, सीएसके किसी और ने ज्वाइन किया, क्या वो डाल सकते हो नाम? डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, इन डिक्शनरी में हम आईपीएल में कोई नया प्लेयर ज्वाइन करेगा तो आई कैन एड दैट वैल्यू इन द कहां पे, मैं उसको आईपीएल की डिक्शनरी में डाल सकता हूँ। तो बट अब तुम सीएसके का एक ही प्लेयर ले रखा है, उसके बाद तुम नया प्लेयर की एंट्री नहीं करा सकते, तो तुम्हारा डिक्शनरी का स्ट्रक्चर ही गलत है। मेरा डिक्शनरी बनाने का पर्पस क्या था, आईपीएल किसी ने खेलना छोड़ दिया, ठीक है, सचिन ने खेलना छोड़ दिया तो सचिन का नाम निकल जाए, ठीक है। एक न्यू कमर आया, उसने खेलना शुरू किया तो उसने सीएसके ज्वाइन किया तो उसका डिक्शनरी में डेटा एंटर हो जाए, राइट। अगर तुम जिस टाइप से आप बोल रहे हो उस टाइप से हम ये दोनों काम नहीं कर पाएंगे, तो मतलब स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो डिक्शनरी बन गई, इसका टाइप देखेंगे, ये देखो नीचे देखा, टाइप ऑफ आईपीएल, इसको चलाया, अब सही चल रहा है यार, अब नहीं हो रहा है, पहले ही कर लेते, टाइम वेस्ट हो गया था, ठीक है। ये देखो उसने नीचे क्या बोल दिया, कंसोल में क्या बता रहा, वो क्या चीज है, ये डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी है, ठीक है। तो हमने कीज और यूनिक वैल्यूज के हिसाब से चीजें बना ली। अब मुझे कोई चीज ढूंढनी है, कुछ चीज ऐड करनी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इंडेक्सिंग करनी है, मुझे एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो एलिमेंट यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, पहले आते हैं सर्च ऑपरेशंस। सर्च ऑपरेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सर्च करूंगा इस डिक्शनरी में से, रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में क्या सर्च करते हो, मीनिंग, इंग्लिश डिक्शनरी में क्या सर्च करते हो, वर्ड, राइट, और वर्ड का क्या मिलता है, मीनिंग, राइट। यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, की, मतलब टीम के लिए खेलता है, और आंसर निकल के आएगा टीम का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, की, एंड इट विल गिव मी वैल्यू, ठीक है। तो की कैसे लिखनी है, डिक्शनरी का नाम आईपीएल में से क्या दे दो मुझे, क्या दे दो, की आईपीएल धोनी, तो आईपीएल में से धोनी की वैल्यू बताओ। ये देखो, तो अब मैं इस कोड को चलाऊंगा, मुझे क्या आंसर आ जाएगा, ये देखो उसने दे दिया मुझे वैल्यू। तो डिक्शनरी में से तुमने कोई वर्ड पूछा, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसने खुद से डिक्शनरी से सारे वर्ड ढूंढे और बता दिया इस वर्ड का मीनिंग, टेब का मीनिंग ये होता है, क्लियर, गॉट इट। ऐसे सर्च होगा, की सर्च करी वैल्यू मिला, वर्ड सर्च करा मीनिंग मिला, वैसे ही हम रियल वर्ल्ड डिक्शनरी के फंडामेंटल यूज करके सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। कोई डाउट,
सर एक साथ इसमें मल्टीपल कीज हम लोग डाल सकते हैं? नहीं नहीं एक ही की एक टाइम पे वो सारी चीजें लूप्स के थ्रू होंगी, फिर जो आप बोल रहे हो ना मल्टीपल वाले सारे काम लूप्स के थ्रू होंगे। अब मैं कह रहा हूँ दूसरा ऑपरेशन आता है अपडेट करना, ठीक है, किसी वर्ड का मीनिंग चेंज हो सकता है, कोई प्लेयर टीम चेंज कर सकता है। मैं कह रहा हूँ अब धोनी आईपीएल में धोनी अब सीएसके के लिए खेलता था, ये तब का डेटा है जब फर्स्ट टाइम ऑप्शन हुआ। अब उसने टीम चेंज करके क्या कर लिया, ये देखो टीम चेंज करके उसकी टीम क्या हो गई है, समझ लो MI, ठीक है, ये कर दिया। दिस इज हाउ वी रिप्लेस वैल्यूज, अपडेट वैल्यूज। F9 दबाया, अब IPL डिक्शनरी देखते हैं। F9 देखो क्या हो गया, धोनी का रिकॉर्ड क्या दिखा रहा है, MI तो नीचे MI हो गया अपडेट, राइट। इस तरीके से यू कैन अपडेट वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी एज वेल, राइट। तो तुमने उसकी वैल्यू चेंज करके तुमने वैल्यू चेंज कर दी उसकी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नया प्लेयर आया है, जो जितने मर्जी सिनेरियो सोच लो, ठीक है, प्लेयर क्या कर सकता है, प्लेयर की टीम सर्च कर सकते हैं, प्लेयर टीम चेंज कर सकता है, नया प्लेयर ज्वाइन कर सकता है। प्लेयर ने अब ज्वाइन किया है, ठीक है, उस प्लेयर ने ज्वाइन किया है, अब उसका नाम क्या है, ये देखो अपडेट और एड का सेम ही तरीका है। अपडेट के लिए वो चीज पहले होनी चाहिए, उसको नई वैल्यू मिल जाएगी, अपडेट एड में वो चीज अगर नहीं है तो वो एड हो जाएगी। देखो अब एड कैसे करना है, आईपीएल में एक नया प्लेयर आया है जिसका नाम है कुछ भी पंत, ऋषभ पंत, ठीक है। अब उसको क्या टीम असाइन हुई है, 11, ये देखो आईपीएल में पंत ऐड कर दो किंग्स 11, इसका और अपडेट का सिंटैक्स सेम है, राइट। तो कैसे पता चलेगा कौन सी चीज अपडेट हो रही है और कौन सी चीज ऐड हो रही है, कैसे देख के बता सकते हो, अपडेट और ऐड का सिंटैक्स सेम है तो कैसे देख के बता सकते हो कि धोनी अपडेट हो रहा है और ऐड पंत ऐड हो रहा है। इन ऑपरेटर से चेक कर लेंगे ना धोनी इन आईपीएल? नहीं नहीं नहीं, कुछ और ऑपरेटर नहीं लगाना, सिर्फ डिक्शनरी देख सकते हो और उसमें से मतलब कैसे, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है इन दो कोड्स में, लेंथ का डिफरेंस? देखो इसमें क्या हो रहा है, धोनी ऑलरेडी था, ठीक है, अगर कोई चीज ऑलरेडी थी तो उसको क्या मिल जाएगा, नई वैल्यू मिल जाएगी, उसकी पुरानी वैल्यू हटेगी, सीएसके हटा और एमआई मिल गया। पंत था उसमें, वो ढूंढेगा पंत है होगा तो उसकी वैल्यू अपडेट कर देगी, अगर वो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता तो वो वैल्यू एड हो जाएगी, पंत नहीं था, पंत को किंग्स 11 ऐड कर दो, क्लियर। अगर वो वैल्यू की ऑलरेडी है तो उसे नई वैल्यू दे दो, अगर वो की नहीं है तो वो की डिक्शनरी में डाल दो, ये मतलब है इसका, क्लियर। क्लियर अब? हाँ ठीक है। ठीक है तो सेम कोड ऐड के लिए, सेम कोड अपेंड के लिए, ऑलरेडी होगा तो ऐड वैल्यू अपडेट कर देगा, नहीं होगा तो उस वैल्यू को ऐड कर देगा उसके अंदर, ठीक है। रिमूव करने के लिए अब क्या है, रिमूव नहीं होता इसमें,
पॉप या डिलीट, इसमें पॉप होता है ठीक है, तो पॉप क्या करता है तुम्हारी वैल्यू को हटा देगा किसी हिसाब से। पॉप में तुम क्या दोगे की का नाम, की वैल्यू पेयर दोनों हटा देगा ठीक है। तो मैंने क्या किया डिलीट करने के लिए, हमने यूज किया आईपीएल में से क्या कर दो डॉट पॉप कर दो, की का नाम क्या देंगे रोहित ठीक है, आईपीएल में से पॉप कर दो रोहित को हो गई। ओहो F9 दबा, उसने बोला हाँ ये वाली वैल्यू हटा दी है, MI वैल्यू थी इसकी। अब आईपीएल देखते हैं, आईपीएल में अब क्या रह गया दिख रहा है रोहित, दिख रहा है कंसोल ठीक है, धोनी जडेजा विराट डिविलियर्स दैट्स इट राइट। तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो पॉप से, यहाँ पे पॉप जो है डिक्शनरी में बाय नेम चलता है ना कि इंडेक्स लाइक लिस्ट। कोई डाउट अभी तक? मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी को ही खाली कर दो ठीक है, एम्प्टी बना दो डिक्शनरी, एम्प्टी कर दो डिक्शनरी, क्लियर कर दो डिक्शनरी। तो उसके लिए वही लिस्ट की तरह ही मेरे पास फंक्शन है क्लियर क्लियर डॉट क्लियर। आई नए ऑप्शन होंगे, पुराना सारा रिकॉर्ड हटा दो ठीक है, प्लेयर के नाम और वो सब हटा दो। F9 चलाया, कोड चल गया, आईपीएल डिक्शनरी देखते हैं, उसमें कुछ नहीं पड़ा जी, देखो एम्प्टी डिक्शनरी राइट, ऊपर आईपीएल बना है साइज 0 एम्प्टी। क्लियर, कोई डाउट? तो हमें सर्च करना भी आ गया, हमें अपडेट ऐड डिलीट करना है। सर जैसे हमने ipl.clear लगाया तो वो अब मैं कह रहा हूँ ये डिक्शनरी ही नहीं रखनी, काम खत्म, इसका डिक्शनरी का काम खत्म हो गया, हमने डिलीट कर देना आईपीएल को ही, ऑब्जेक्ट ही रिमूव कर देना है। तो उसके लिए ये जो डिलीट है ये कॉमन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हटाने के लिए है ठीक है, ये डिक्शनरी का नहीं है, ये हमने कल देखा था लिस्ट हटाने के लिए राइट, टपल के लिए सेट के लिए भी है। तो डिलीट आईपीएल, तो ये जो कीवर्ड है डेल, ये हर ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए नॉट जस्ट, तो डिलीट कर आईपीएल। अभी आईपीएल बना हुआ है, खाली है बट आईपीएल बना हुआ है, इसको चलाओ देखो हो गया खाली खत्म सब। सब विदाउट क्लियर किए हम लोग डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो तो मैंने तुम्हें ऑप्शन बताया है, बस डिलीट तो जब मर्जी करो ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है आपस में, ऐसा नहीं है पहले क्लियर करोगे फिर डिलीट करोगे, ये अलग अलग कमांड्स है सारी। गॉट इट? कोई डाउट? No, sir. ये हमारे क्या हो गया, 5 मिनट का ब्रेक मिल सकता है। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी हाँ जी। अगर मुझे सारी जैसे आई वांट कि आईपीएल में सिर्फ कौन कौन से प्लेयर्स खेले थे, मुझे उनकी टीम्स नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेयर के नेम चाहिए, वो कैसे करेंगे? आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन है कि मुझे आईपीएल में कौन कौन से प्लेयर्स खेले थे, उन सब प्लेयर्स के नाम चाहिए। ठीक है, सब प्लेयर्स के नाम चाहिए, फिर से डिक्शनरी बना लेते हैं एक बार, यही वाली। अब मुझे एक लिस्ट चाहिए प्लेयर्स के नाम के साथ। ठीक है, डिक्शनरी बन गई, अब मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी का नाम क्या है आईपीएल, अब मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी का नाम है आई वॉन्ट लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, तो क्या करेंगे ये देखो आईपीएल डॉट प्लेयर्स कहाँ पड़े हैं, कीज में, आईपीएल डॉट कीज दैट्स इट। F9 दबाया, ये देखो आगे सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो गए, बन गए एक, ये देखो धोनी जडेजा रोहित विराट डिविलियर्स, यही 5 प्लेयर है राइट, यही चाहते हो? यस सर, यस। ठीक है, तो डॉट कीज मार के सारी कीज आ जाएंगी। ये देखो, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कितनी टीम्स है आईपीएल में, तुम्हारी डिक्शनरी में टीम्स कौन कौन सी हैं,
तो टीम्स तो रिपीट होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये देखो अगर मुझे वैल्यू जाननी है टीम्स कौन कौन सी हैं, टीम्स रिपीट होंगी, तो उसके लिए क्या सीन है, पहले तो टीम्स फेच कर लो, IPL डॉट क्या यूज करूंगा, वैल्यूज के लिए, वैल्यूज, ठीक है, बाकी सारी CSK, पहले दोनों प्लेयर CSK था, तो ये वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो उसने अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, मुझे डिस्टिंक्ट नाम चाहिए, सेट में बना लूंगा, राइट, इस IPL बनाया सेट IPL, ऐसे करके एक कीवर्ड बना दिया, कुछ भी बना दो, ठीक है, सेट IPL, अब क्या बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा सेट IPL, सेट IPL तुम्हारा एक सेट बन गया, ऐसे बना दो, ये ठीक है, ये देखो सेट IPL खोला, इसमें तीन वैल्यूज MI CSK RCB, यही तीन टीम्स हैं, इसके अलावा कोई टीम नहीं है, आगे मेरे पास, यस यही था, हो गया, सेट का देखा फायदा, सेट लगाया अंदर से, उसने सारी वैल्यू उठाई, उसमें से डुप्लीकेट हटाई और सेट IPL एक तुम्हें दे दिया और उसके अंदर तुम्हें बता दिया कि ये वाली वैल्यूज मेरे पास हैं, तो ये रहे तुम्हारे पास सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ टीम्स जो IPL में है तुम्हारी डिक्शनरी में, और सेट IPL ने तुम्हें सेट ऑफ प्लेयर्स दे दिए, दोनों चीजें मेरे पास निकल यूनिक लेवल पे, कोई डाउट किसी को, बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके हम, राइट, कोई भी इस स्ट्रक्चर का डेटा है तो वी कैन फिगर आउट कि कौन सी चीज कितनी बार आई, कितनी बार आई नहीं, कौन सी चीज यूनिक है, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें, अब ये बना लिया, अब मैं ये भी देख सकता हूँ कि टीम्स कितनी है, लेंथ मार लूंगा, राइट, लेंथ ऑफ सेट IPL कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3, तो मुझे पता लग गया देर आर 3 टीम्स, सेट ऑफ IPL कीज कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, 5, तो मुझे पता लग गया 5 प्लेयर खेलते हैं 3 अलग अलग टीम्स के लिए, राइट, कोई डाउट, जल्दी जल्दी, ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डेटा स्ट्रक्चर, वी कवर्ड लिस्ट टपल सेट डिक्शनरीज, इसमें क्या क्या फंक्शन है, अब तुम्हारे पास कोड्स पड़े हैं सारे, यू कैन समराइज एक पेपर पे शीट बना के, यू कैन समराइज ऑल, रिवाइज ऑल, वीडियोस तुम्हारे पास पड़ी हैं, ठीक है, कोड तुम्हारे पास है, नोट्स तुम्हारे पास हैं, एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट हैव दीज ऑल थिंग्स यू शुड बी योर एट योर फिंगर टिप्स, कि हाँ ठीक है इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमारे हो गई, अब मुझे एक बार फिर से ना वो भेजना, उसके नीचे ना उसी शीट को सर्च मारना, उसके बीच में एक वर्ड लिखा होगा असाइनमेंट, और वहां पे क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहे होंगे, देखना है, कोई सर्च करके चैट में भेजना क्वेश्चंस नाउ असाइनमेंट, ये शायद मैं भेजता हूँ, और अगर हमें ओनली RCB वाले प्लेयर्स की लिस्ट चाहिए हो, देन डिक्शनरी में हम एक डिक्शनरी में हम क्या कर रहे हैं, पूरे डिक्शनरी लेवल पे चीजें कर रहे हैं, हम ये सर्च कर सकते हैं कि इस प्लेयर को कौन सी वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को कौन सा प्लेयर मिला है, बट अगर आप ऐसे कोई फिल्टर मारना चाहते हो तो फिल्टर नहीं यहाँ पे डायरेक्ट हम मार सकते हैं, ठीक है, फिल्टर डायरेक्टली नहीं यहाँ पे कोई लग सकता, हम उसको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं कि पहले सर्च करा कि ये चीज कितनी बार है, ठीक है, उस चीज को ढूंढा और उसको फिर हमने उसका काउंट ले लिया कि कितने प्लेयर्स इसमें दिखे, इस टाइप कर सकते हो, डायरेक्टली कोई ऐसा फिल्टर नहीं है कि मैं डिक्शनरी की वैल्यू इक्वल टू ये लिख दूं कि RCB लिखते वो, ठीक है, पूरे डिक्शनरी लेवल पे काम हो रहा है, नॉट एट अ वैल्यू लेवल यहाँ पे, ठीक है, कीज पे होगा, वैल्यू पे नहीं होगा, तो हमेशा की पास करते हो, की लेवल पे जो मर्जी कर सकते हो, इस की को कौन सी वैल्यू मिली, वैल्यू के मैं डिक्शनरी में रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में क्या मैं वैल्यू से की ढूंढ सकता हूँ, नहीं ढूंढ सकता, राइट, मैं बोलूँ कि मीनिंग क्या है, अब एक मीनिंग तो 15 वर्ड का हो सकता है सेम मीनिंग, राइट, राइट और रॉन्ग, ठीक है, तो की से वैल्यू ढूंढी जा सकती है, बट वैल्यू से
कीज नहीं ढूंढी जा सकती जो आप बोल रहे हो कि आरसीबी को कौन से प्लेयर मिले, तो आरसीबी मेरा वैल्यू है, तो वैल्यू से मैं की नहीं वापस ढूंढ सकता, की से वैल्यू ढूंढ सकता हूं क्योंकि की यूनिक है, तो एक ही वैल्यू मिलेगी एक ही। क्या तो ये डेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स, राइट। वी कैन नॉट मतलब खुद से कुछ हम कस्टम नहीं कर सकते, दीज आर इनबिल्ट फंक्शन। ये सारी चीजें हम डेटा फ्रेम्स में कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कितने लोगों को मिली है, बट नॉट इन केस ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की को बेस मान के चलता है, एक साइड ही देखता है, की से वैल्यू की ओर देखता है, वैल्यू से की ओर नहीं देख सकता, राइट। वन डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल है। कुछ पूछ रहा था कोई? भेज रहे हो? हाँ मैं भेज रहा हूँ सर, ये आई थिंक ये सॉल्वड है। वो भेजो भेजो तो सही मुझे। सॉल्ट नहीं है वो, क्वेश्चन ही है, आंसर तुमने निकालना है उसको। भेजो जा, थोड़े से भेज दो ऊपर वाले। हाँ ठीक है, नाइन्थ भी भेज देता हूँ। हम बोल सकते हैं कि आरसीबी वाले प्लेयर्स के नाम चाहिए तो मिल जाएगा। फिर आप वही बात कर रहे हो, आरसीबी जो है वो वैल्यू है, वैल्यू से प्लेयर नहीं मिल सकता, प्लेयर से वैल्यू मिल सकती है। ये प्लेयर किस टीम को बिलोंग करता है ये मिलेगा, वैल्यू से प्लेयर नहीं मिलेगा, समझो। की से वैल्यू की ओर जा रही है डिक्शनरी, नॉट वैल्यू से की ओर। वर्ड से मीनिंग नहीं पता करता, वर्ड से मीनिंग से वर्ड नहीं पता कर सकते, ठीक है, वर्ड से मीनिंग पता कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोगों को सेम वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स के लिए, एक एक मीनिंग के लिए मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं वहां पे, तो डिक्शनरी ऐसे नहीं चलता, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन कर लिए तो वी विल बी गुड विद डेटा स्ट्रक्चर, तो हम कोई भी रिटर्न एग्जाम कहीं पे भी कोई डेटा स्ट्रक्चर का सवाल आए तो वी कैन डू दिस आफ्टर covering these things। ये रितु जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये सारे डेटा फ्रेम्स पे फिट होते हैं जब हम टेबल पे काम करेंगे, नॉट डेटा स्ट्रक्चर्स पे, नॉट पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर पे, डेटा फ्रेम में जब हम आएंगे तब हम कर सकते हैं, किसी कॉलम में ये वैल्यू कितने लोगों को मिली है, राइट, आरसीबी कितने प्लेयर है, तब ये सारी चीजें हो सकती है कॉलम्स में जब डेटा पड़ा है, बट जो है ये प्रॉपर एक फॉर्मेट से चलते हैं क्योंकि वन डायमेंशनल है, ये 2D डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है कि रो और कॉलम इकट्ठे देख लिए कहीं पे भी फिल्टर मार ली। कुछ क्वेश्चन देते हैं वो थे। फटाफट बताना है, ठीक है, फटाफट, टाइम कम है अपने पास, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है मैं बता देता हूं पहले, इंडेक्स फंक्शन मुझे क्या करता है, इंडेक्स देता है इस वैल्यू का, पांच का इंडेक्स क्या है ये बताएगा, ठीक है, पांच का इंडेक्स क्या है, पांच कौन से इंडेक्स, पांच वैल्यू है, इंडेक्स के अंदर वैल्यू जाती है और ये इंडेक्स नंबर रिटर्न कराता है, ठीक है। तो इससे मुझे ये जो दो चीजें बताओ कि पहला प्रिंट का क्या आंसर आएगा बिना चलाए, बताओ क्या आना चाहिए, अपनी कॉपी पेन पे बना के मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस प्रिंट, जल्दी से, यू हैव अ मिनट बस। फोर बाकी लोग तो फाइव आएगा, एक फोर कह रहा है एक फाइव, बाकी जल्दी फटाफट। Four, five, 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 five.
6 4 5 6 4 5 ओके अभिनव तुमने क्या बोला है आशीष फोर फाइव सिक्स ओके लेट्स सी ये देखो ये एक टपल बना है टपल पर मैंने क्या बोला पहले क्या चलेगा अंदर वाली चीज ठीक है ये चीज चली टपल का इंडेक्स 5 पे वैल्यू दो इंडेक्स 5 क्या है ये जीरोथ इंडेक्स ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ तो ये क्या बन जाएगा क्या मिला उसको इस पे क्या मिला उसे बताओ फाइव कौन से इंडेक्स पे पड़ा है फाइव कौन से इंडेक्स पे पड़ा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कहां पे पड़ा है फोर्थ इंडेक्स पे राइट राइट और रॉन्ग राइट राइट तो ये क्या बन जाएगा प्रिंट प्रिंट टी का फाइव कहां पे पड़ा था फोर्थ इंडेक्स पे तो अब ये चीज ऐसे बन गई प्रिंट टी फोर अब टी फोर क्या है एक दो ये जीरो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये है टी फोर टी फोर पे क्या पड़ा है फाइव आंसर शुड बी फाइव इसको चलाते हैं आंसर शुड बी फाइव देखो नीचे कंसोल पे देखो फाइव इज आंसर तो जितने भी लोग 6 5 4 बोल रहे हैं सब गलत हैं 5 इज द करेक्ट आंसर क्लियर समझ लगा क्यों अंदर चल रहा है इंडेक्स इंडेक्स बोलता है मैंने अभी बताया इंडेक्स क्या लेता है वैल्यू लेता है और वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न कराता है ये वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है फाइव कौन से इंडेक्स पे पड़ा है ये फाइव जीरो टू थ्री फोर फोर्थ इंडेक्स पे फाइव पड़ा है तो ये पूरा हटके क्या बन जाएगा टी फोर अब वो क्या कह रहा है प्रिंट करा दो टी फोर टी का फोर्थ इंडेक्स प्रिंट करा दो ये जीरो इंडेक्स ये वन इंडेक्स ये टू इंडेक्स ये थ्री इंडेक्स ये फोर इंडेक्स फोर इंडेक्स पे क्या पड़ा फाइव क्या मुश्किल है इसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करोगे तो अब फटाफट नीचे वाला बताओ बना के ये वाला एट आएगा बाकी लोग फटाफट नीचे वाला ऐसे ही सेम अंदर जाके पहले अंदर वाले ब्रैकेट खोल के फिर देखो क्या बनेगा ऐसे ऐसे करके तो तीन चार पांच छह छह तक क्या नीचे किसके हैं वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव आ गया फाइव थ्री क्या
हुआ कि नहीं? आठ ही है सबका आंसर? यस। कैसे होगा बताओ? आठ पहले ये चलेगा टी सिक्स माइनस थ्री, राइट? टी सिक्स पे क्या मिलेगा? सेवन। सेवन माइनस थ्री फोर, राइट? तो ये क्या बन गया? टी फोर। तो टी फोर ये सॉरी सेवन माइनस ये बन गया पूरा, ये बन गया, इतना बन गया टी फोर। टी फोर पे क्या मिलेगा? फाइव। फिर क्या बन गया? टी फाइव। टी फाइव पे क्या मिलेगा? फाइव माइनस सिक्स हो जाएगा। आठ कैसे आंसर आ रहा है फिर? टी माइनस वन आएगा ना, टी माइनस वन हो गया ना, टी फोर माइनस सिक्स। बताओ ये वाला पोर्शन मुझे क्या देगा? इतना चलाने पे क्या मिला मुझे? टी फाइव फोर। ठीक है, ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया आपका? T4। अपना पोर्शन क्या बन गया? T5। ठीक है, अब ये क्या बन गया? फाइव बन गया। T माइनस वन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? हाँ, ये इतना पोर्शन बन गया फाइव। ठीक है, तो ये बन गया T फाइव माइनस सिक्स। फाइव माइनस सिक्स क्या बन गया? T माइनस वन। T का माइनस वन दे दो, माइनस वन पे क्या पड़ा? आठ। आंसर विल बी एट। क्लियर? तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्लियर सबको? कोई डाउट? नो सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने करोगे ज्यादा क्लियर होगा। तोड़ तोड़ के करो, इसका ये बना फिर ये बन गया, इसका ये बना फिर ये बन जाएगा, फिर क्या दिखेगा? ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे तो थिंग्स विल बी क्लियर। मुश्किल नहीं है, बस वही है तरीके से करना है। और क्वेश्चंस होंगे यार भेजना सर थोड़े और। डिक्शनरी और सेट वाले क्वेश्चन भी होंगे उसमें नीचे ना, इसके नीचे वाले क्वेश्चन भेजना थोड़े, ये सारे लिस्ट टपल वाले क्वेश्चन। अच्छा चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखो आंसर्स वाले साथ में लिखे हैं। इसका बताओ, पहले यहाँ पे लिस्ट क्या बन रही है पहली लाइन में? ये बनेगी, इंसर्ट कर दो सेकंड नंबर पे फाइव, क्या बन जाएगा इस लाइन के बाद लिस्ट? टू फिफ्टी फाइव टेन। टू फिफ्टी फाइव टेन, राइट? यही बननी चाहिए लिस्ट, बन जाएगी स्टेप पे टू फिफ्टी फाइव वन। टू ट्रू फिफ्टी फाइव वन। अब मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ लिस्ट कर दो, इसका सम कर दो, तो क्या होना चाहिए? एरर आएगी, एक बंदा एरर, बाकी जीरो वन टू सेकंड पोजीशन पे फिफ्थ डालना। सारे तो नहीं आए, तेरह तक ही है क्वेश्चन, यहाँ सारा नहीं आता। टेक्स्ट का वो होता है, साइज है इसका, टैप का, इतना ही कॉपी कर सकते हो, बाकी कॉपी हुआ नहीं है। थोड़ा थोड़ा कॉपी करके भेजना पड़ेगा, एक टाइम पे थोड़ा ही जाता है, पूरा नहीं आता।
66 बोल रहे हैं सर, आप भेजो तब तक। बाकी लोग आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत खराब आ रही है। चैट में भेजो, आवाज नहीं आ रही है। आओ भाई, 66 कैसे आया, जल्दी बताओ जल्दी। सर ट्रू की वैल्यू वो 1 लेगा, ठीक है। ट्रू जो होता है वो क्या है, मशीन के लिए 1, फॉल्स मशीन के लिए 0। तो ये क्या कह रहा है, ट्रू प्लस 50 प्लस 5 प्लस 10, तो 50 प्लस 5 ये 65 हो गया, प्लस ट्रू क्या है 1 दिख रहा है उसको, हमें ट्रू दिख रहा है उसको 1 दिख रहा है, तो सम इस लिस्ट का क्या हो जाएगा, 66। क्या हो गया, आंसर विल बी 66, सम इज 66, क्लियर, कोई डाउट? और यहाँ फॉल्स कर दूं तो फिर 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, वो जीरो दिखेगा उसे, ठीक है। तो इस तरीके के चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं ये हम कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू नो अ लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स एज वेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, ये सारे कॉम्पिटिटिव वेबसाइट से ले रखे हैं मैंने, तो इफ वी विल गो थ्रू दैट विल बी गुड। इसका बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का डिक्शनरी बनाई, इसका मीनिंग क्या है, डिलीट डिक्शनरी 1, इसका मीनिंग बताओ पहले तो क्या है। बोल के बताओ यार, इस लाइन का मतलब क्या है, डिलीट डिक्शनरी 1, सब वो डिलीट कर देगा ना, 1 कोलन 1 वाला 1 क्या है, की इंडेक्स है, वैल्यू है, क्या है 1 इंडेक्स कहां होता है, डिक्शनरी में इंडेक्स की तो बात ही नहीं होती कोई, सब 1 की है उसकी वैल्यू और वो दोनों डिलीट कर देगा सर, आपने बताया सारी डिक्शनरी सारे की के हिसाब से चलते हैं, तो मैं कह रहा हूँ डिलीट कर दो डिक्शनरी की ये वाली की, 1 नाम की कोई की है तो वो डिलीट कर दो, 1 नाम की है, हाँ अगर वर्ड चला गया तो उसका मीनिंग भी चला गया, ये पूरा पोर्शन डिलीट हो गया, ये 1:1 ये पूरा पोर्शन डिलीट हो गया, क्या बच गया, 2:2:3:3 ये वाला पोर्शन बचा, 2 की उसकी वैल्यू भी 2, 3 की उसकी वैल्यू भी 3, तो ये चलाया तो हमारे पास 2:2:3:3 हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी में इस लाइन पे क्या हो रहा है, थर्ड पे ऐड हो रहा है एलिमेंट 1:10 आ जाएगा, राइट। तो डिक्शनरी में 1 नाम की एक की ऐड कर दो, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दो, तो अब तुम्हारी डिक्शनरी कैसी बन गई, 2:2:3:3:1:10, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी का 2 नाम की हटा दो, तो 2 वाली हट गई तो क्या बच गया, 3:3। अब डिक्शनरी की लेंथ कितनी, क्या लेंथ होगी, लेंथ ऑफ डिक्शनरी होती है उसके अंदर कितनी कीज है, राइट, कितनी कीज बची हुई है, 2, राइट, 3:3 और 1:10, तो 3 और 1 यही 2 कीज है, तो आंसर शुड बी क्या क्या होना चाहिए, आंसर 2। ठीक है, देखो नीचे कंसोल में आ गया 2, गॉट इट, कोई डाउट कर लोगे कोई भी क्वेश्चन, हाँ यस सर, कौन कौन बोल रहा है कर लेगा कोई भी क्वेश्चन, वो किस किस को भरोसा है खुद पे, अब कर लेंगे सब, कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ये, ठीक है, और ये इंटीजर, इंटीजर इंटीजर, ठीक है, ये चलाया
और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ एक्स प्लस ए, क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए ऐसा नहीं होगा एरर आएगा एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते दोनों डिफरेंट डेटा टाइप है नाम और नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं नहीं हो सकते ऑब्वियस सी बात है ठीक है तो इट विल थ्रो अ एरर कैन नॉट कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर ठीक है या इंटीजर टू अ स्ट्रिंग ठीक है ये चीजें पॉसिबल नहीं है अब मैंने ऐसे कर दिया ये देखो अब क्या बन जाएगा What should be the answer now? Sahil, comma one. Sahil one. Sahil one. Sahil one. Sahil one. Both of string hai, right? Both of these are strings now. ठीक है? One भी एक string है और Sahil भी एक string है. तो now ये concatenation का काम करेंगे. String plus string, string concatenate होके दोनों चीजें जुड़ जाएंगी. Clear? कोई doubt? ये मेरा फर्स्ट नेम है फॉर एग्जांपल ये देखो ये फर्स्ट नेम एफ एन ये लास्ट नेम एल एन ठीक है मैं क्या चाहता हूं मुझे कैसा आउटपुट चाहिए मुझे कैसा आउटपुट चाहिए ऐसा ये देखो आउटपुट कैसा चाहिए मुझे ऐसा कैसे करेंगे एफ एन प्लस एल एन के बीच में डबल कोट्स में स्पेस डाल देंगे यस सर ये परसेंटेज क्यों आएंगे इसमें परसेंटेज क्यों आएंगे इसमें सिंपल ऐसे करेंगे ये देखो एफ एन स्मॉल एफ एन को ऐड कर दो किसके साथ बीच में क्या डालना स्पेस अरे कहां चला जाता बीच में डालना स्पेस फिर क्या डालना है एल एन इसको चलाओ चल क्यों नहीं रहा अनडिफाइंड नहीं कर रहा है ये देखो बन गया वैसा ही जो चाहिए हमें राइट कोई डाउट बताओ भाई बोलो बोलो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी
आ रही है फिर बोल क्यों नहीं रहता हाँ ऐसे ही होगा इसका बताओ क्या होना चाहिए एक टपल बनाया मैंने कहा टू मल्टीप्लाई बाय दैट टपल क्या होगा वन टू दो बार आ जाए वन टू दो बार आएगा टू कॉमा फोर आ रहा है बाकी लोग टू कॉमा फोर 2.4 एक आंसर है 1212 दो बार आएगा एक आंसर है और सर एरर आएगा एरर तीसरा आंसर व्हाट हो गुम्मा 4 आएगा सर लिस्ट मल्टीप्लाई बाय टू ये कोई ऑपरेटर होता था ये कोई फंक्शन होता था हमारे पास होता था या नहीं होता था लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम टू के साथ मैंने क्या बोला था लिस्ट सिर्फ ऐड हो सकती है ये only concatenated only plus ऑपरेटर चलेगा को लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बट ये क्या चीज है ये क्या चीज है एक इंटीजर है ठीक है इंटीजर के साथ लिस्ट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो चीज उतनी बार कॉपी बना देगी टप्पल हो चाहे लिस्ट हो अगर अ लिस्ट मल्टीप्लाई बाय टू तो इसका मतलब क्या है लिस्ट दो बार कॉपी बन जाएगी तो अगर मेरे पास लिस्ट थी 1.2 तो मैंने लिख दिया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट नहीं मल्टीप्लाई होता नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है ठीक है इंटीजर इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा लिस्ट मल्टीप्लाई इंटीजर ये कोई ऑपरेटर नहीं है तो ये क्या करता है इस लिस्ट को दो बार कॉपी कर देता है 1.2 सेम चीज टपल में हो रही है सेम चीज टपल में हो रही है सेम चीज टपल में हो रही है टपल मल्टीप्लाई बाय टू लिखा है मैंने इस केस में ठीक है टपल मल्टीप्लाई बाय तो टपल दो बार कॉपी हो जाए ठीक है वही टपल दो बार कॉपी हो जाए ठीक है तो टपल को दो बार कॉपी कर दो सो इट विल क्रिएट क्लियर कोई डाउट बताओ कोई डाउट नो सर ठीक है तो लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट कोई ऑपरेटर नहीं होता लिस्ट डिवाइड बाय लिस्ट कोई ऑपरेटर नहीं होता लिस्ट प्लस लिस्ट ऑपरेटर होता है टपल प्लस टपल ऑपरेटर होता है बाकी ये जो मल्टीप्लाई है ये किसी स्केलर के साथ आ सकते हैं लिस्ट मल्टीप्लाई बाय टू लिस्ट की दो कॉपीज बनानी है टपल मल्टीप्लाई बाय दो टपल की दो कॉपीज बना दो ठीक है टपल मल्टीप्लाई बाय टपल ये होता है ये होगा नहीं ये कोई ऑपरेटर नहीं है ऐसा कोई चीज नहीं होता लिस्ट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट नाम की भी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती ठीक है ये सब नहीं होता बट हाँ लिस्ट इंटू अ नंबर ये हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई करा देना है इसका मतलब है उतनी बार कॉपी कर दो उसको ठीक है तो ये फंडामेंटल जो चीजें हैं ये हमें ध्यान में रखनी है गॉट इट एक दो क्वेश्चन और करते हैं बाकी क्वेश्चन उस मैं आज एक असाइनमेंट भेजूंगा इस वीक का तुम्हारा काम है असाइनमेंट खत्म करना हर वीक एक असाइनमेंट करेंगे एंड वो असाइनमेंट मुझे उस वीक चाहिए अगली क्लास से पहले वो असाइनमेंट चाहिए तो यही एक्सपेक्टेशन हम सेट करके चलेंगे और जो हम एक वीक कर रहे हैं वो पूरा एक वीक में निचोड़ लेंगे कि हमें सब पता है नेक्स्ट वीक जो पढ़ेंगे
उसका एक अगले एक वीक पे पूरा क्लास में असाइनमेंट क्वेश्चन, क्लास में कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन असाइनमेंट करोगे तो देर वॉन्ट बी एनी केस जो तुम्हें पता नहीं होगा. ठीक है अगर हम जो एक क्लास और असाइनमेंट में कर लेंगे इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं होगा जो तुम्हें नहीं पता होगा. ठीक है, वी विल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट एवरी सिनेरियो दैट एग्जिस्ट. ठीक है सर, आज का असाइनमेंट क्या होगा? असाइनमेंट मैं भेजूंगा, अभी एक असाइनमेंट भेजूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, उसमें क्वेश्चंस होंगे, 7-8 क्वेश्चन ही होंगे, इजी है वो बहुत. ठीक है, तो वो तुम्हें करके मुझे भेजना है इसी वीक. ओके. ठीक है, तो इस ये जो शीट मैंने भेज रखी है कोर्स वाली, उसमें भी क्वेश्चन है जहां से भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंक्शन वाले हैं. ठीक है, तुम देखोगे डेफ नाम से एक फंक्शन वाला है, DEF फिर कुछ लिखा है. ठीक है, तो वो और फोर लूप वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, वो अभी के लिए छोड़ सकते हो. उसके अलावा जितने क्वेश्चन है वो तुम अभी सारे कर लो उसमें से. ठीक है, ये सब क्वेश्चन छोड़ देना, जैसे ये देखो फॉर की, तो की लूप्स वाले क्वेश्चन छोड़ देना, और जहाँ पे फंक्शन बना रखे हैं वो क्वेश्चन छोड़ के, तो उनमें से जितने क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं वो खत्म कर दो. प्लस उसके बाद जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा वो असाइनमेंट तुम्हारा टास्क है. ठीक है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ये जब मर्जी करते रहो, बट जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा वो इस वीक हमें चाहिए. तो आई थिंक वी आर गुड, वी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी वांटेड टू. तो साहिल मेरे को एक चीज पूछनी थी. हाँ जी, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड उस टाइम पे. सो ये वाला जो पॉइंट था, जो टपल की जो दो कॉपीज बना देते हैं, तो इफ आई वांट कि टपल का मतलब हर एलिमेंट दो बार मल्टीप्लाई हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा, टपल का एक एक करके आइटरेट हो, एलिमेंट वो फेच हो, वो मल्टीप्लाई हो टू के साथ, तो एक फोर लूप चलेगा जो टपल का हर एलिमेंट आई चेंज होता जाएगा. टपल के लिए पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर फोर के लिए दूसरा एलिमेंट हो जाएगा टपल का दूसरा एलिमेंट, हर बार मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई करके अपडेट कराते रहेंगे जो ओरिजिनल टपल है. राइट, तो वो फोर लूप से होगा, ना कि डायरेक्टली. मल्टीप्लाई ऑपरेटर सिर्फ कॉपी बनाता है, एलिमेंट लेवल पे नहीं कर सकते. ये कर सकते हैं हम, ये देखो टपल का जीरोथ एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा इसका? फटाफट बताओ. 10. हाँ, 10 राइट. टप्पल का टी जीरो क्या देगा मुझे? 1 10 राइट, वो चल जाएगा. ठीक है, वहां पे एक एलिमेंट एट अ टाइम मल्टीप्लाई करा सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है. देखो 10 आ गया. ठीक है, बट ऐसे मल्टीप्लाई बार बार कराना है तो ये चीज को तो तुम्हें लूप में लगाना पड़ेगा, तो ही बार बार अपडेट होगी ये, कभी ये जीरो, कभी वन, कभी टू, कभी थ्री, सारे एलिमेंट्स के लिए चलाना है ये. ठीक है, तो उसके लिए मुझे लूप में डालना पड़ेगा, हर बार टप्पल का एलिमेंट उठाओ, उसको 10 से मल्टीप्लाई कराते जाओ, उसको स्टोर कराते जाओ नए टप्पल में. ठीक है, तो वो जब हम लूप्स कर लेंगे तो तुम ऐसे सिनेरियो कवर कर सकते हो. तो अभी के लिए हमें जो चाहिए वी आर गुड विद दैट, तो सिस्टमेटिकली चलेंगे ताकि लर्निंग कर्व सबके लिए बराबर रहे, और हम सिनेरियो भी मैक्सिमम देखते रहें और ओवरबर्डन भी ना करें वो चीजें. ठीक है बाय, मतलब एक महीना लगेगा पाइथन को, एक महीने बाद तुम प्रो बन जाओगे, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा. ठीक है, वो मेरी गारंटी है, बट उसके लिए यू हैव टू सॉल्व ऑल द असाइनमेंट्स. एंड क्लास में ऐसे नहीं कि मैं अकेला बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो बस, तो क्लास में दिमाग लगाना है कि ये नहीं तो ये करेंगे तो कैसे. यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ एंड चैलेंज मी कि ये करना है तो कैसे करेंगे, ये करना है तो कैसे करेंगे. यस सर, मेरे दिमाग में, मैं भी तो ऑन द स्पॉट बनाता हूँ, मैं पढ़ के थोड़ी आता हूँ. राइट, तो जो बने जो सिनेरियो, कई सिनेरियो मेरे दिमाग में नहीं आएंगे ऑन द स्पॉट, तो तुम कोई बात करोगे तो वो सिनेरियो आ जाएगा हमारे दिमाग में, हम वो केस भी देख लेंगे. राइट, जैसे अभी उसने पूछा था कि कीज कैसे देखेंगे. ठीक है, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स कौन से उसमें से. ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैं आगे बढ़ जाता. राइट, ये चीज हम मे भी ना देख पाते. ठीक है,
बट आपने क्वेश्चन पूछा तो हमने की भी देख ली, हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी देख ली कि टीम्स कितनी है, यूनिक प्लेयर कितने हैं, ठीक है। तो वो तो आपके क्वेश्चन पे मेरा वो डिपेंड करेगा कि मैं कितना और चीजें आपको बताऊं, ठीक है। तो यू हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू बी मोर एनर्जेटिक एंड मोर एंड आस्क मोर इंट्यूटिव क्वेश्चन, जिससे हम ग्रुप स्टडी का यही फायदा है कि वी लर्न मैक्सिमम आउट ऑफ दैट, राइट। कोई क्वेश्चन एक बंदा पूछेगा, कोई दूसरा पूछेगा, किसी के दिमाग में आएगा, कोई काउंटर क्वेश्चन करेगा, तो इवेंचुअली जब एंड ऑफ द डे हम जाएंगे तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अस। तो यही ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए क्लास अटेंड करना सिर्फ क्लास अटेंड करने के ऑब्जेक्टिव से ना आओ, कुछ नया सीखने के ऑब्जेक्टिव से आओ कि आज हम 10 चीजें नई साथ लेके जा रहे हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी, ठीक है। दिस शुड बी दी एटीट्यूड दैट वी ऑल नीड टू पोजेस, ठीक है जी। चलो फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीक। मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, असाइनमेंट कर दो, ठीक है। असाइनमेंट फिनिश करो वो, ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें ये वाले देखो, तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही होते हैं, रिटर्न पाइथन में अगर किसी कंपनी ने रिटर्न एग्जाम लिया तो दैट विल बी ऑन डेटा स्ट्रक्चर ओनली, नथिंग एल्स। उसमें यही सारे सवाल होंगे और कुछ नहीं पूछा होगा, ठीक है। तो वी कैन गेट 10 out of 10, वो वाला उस लेवल का हमें बनना कि वी नो एवरीथिंग, ठीक है। चलो सही है, बाय, टेक केयर, बाय बाय। ओ ओ, एक सेकंड, चले गए क्या? हाँ सर, बताइए। नो सर, मनविंदर, हाँ मनविंदर, आपने पूछा था टपल एक्सटेंड, बट टपल इज अनम्यूटेबल। जब मैं 2 into T कर रहा हूँ ना, तो मैं वो जो पुराना टपल टी है वो वैसा ही है। 2 into T का मतलब आउटपुट दिखाओ, रिजल्ट क्या आया, कि इसको 2 बार कॉपी कर देंगे तो ये बन जाएगा। वो जो टी है वो चेंज नहीं हुआ, राइट। ठीक है, तो टपल टी वही है, ठीक है। 2 into T करने से टपल में चेंजेस नहीं हो रहे, वो सिर्फ कंसोल पे हम वो देख रहे हैं, कंसोल पे हम रिजल्ट देख रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। कि अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ऐसा दिखेगा, वो टी नहीं है, टी वैसा ही है अभी भी, ठीक है। क्लियर, एक्स की वैल्यू 1 है, मैंने बोला 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 हो गया, तो वो एक्स 2 नहीं हो गया, एक्स अभी भी 1 ही है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कराने पे 2 बनेगा, बट बनाया नहीं गया, ठीक है। तो ये है, चलो ठीक है, डन। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।